हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी मदर एंड सन इच्छे चैनल। तो मम्मी का तासल कैसे से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और आबाद होंगे। तो मेरा नाम माद, मेरा नाम है नीला। तो गाइस, आज हम जिस वीडियो को देखने वाले काफ़ी ज़बरदस्त होने वाला है। तो वीडियो का टाइटल है 10 रीजन व्हाई इंडिया विल रूल इन द वर्ल्ड इन 2050। तो देखने वाले हैं 10 ऐसे रीजन के इंडिया 2050 में पूरे वर्ल्ड में रूल करेगा, हाँ राज करेगा। अच्छा। तो हाँ चले देखते हैं, पता चलेगा भाई। तो जल्दी से काउंटडाउन स्टार्ट करते हैं, 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और क्या आप मुझे बता सकते हैं कि दुनिया की 5 सबसे बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, आईबीएम, नोकिया और एडोबी के सीईओ कौन है? वेल, गूगल के सीईओ है सुंदर पिचाई फ्रॉम इंडिया, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ है सत्या नदेला फ्रॉम इंडिया, आईबीएम के रिसेंटली अपॉइंटेड सीईओ है कृष्णा अय्यर अगेन फ्रॉम इंडिया, नोकिया के सीईओ है राजीव सूरी और एडोबी के सीईओ है शांतनु नारायण बोथ फ्रॉम इंडिया अगेन। एंड फ्रेंड्स, सिर्फ इन्हीं 5 एमएनसीज के सीईओ भारतीय नहीं है, बल्कि क्वालकॉम, कॉग्निजेंट, मास्टर कार्ड जैसे कई और जायंट्स के भी सीईओ भारतीय ही है। आजकल न्यूज में आने वाले एनएसए सवार होती है कि हम ये नहीं देख पा रहे हैं कि और हमारे देश के बाहर हमने हमारी मातृभूमि का कितना नाम रोशन किया है। और फ्रेंड्स, अगर हमारे देश की युवा दुनिया भर में 4 बिलियन लोगों से भी ज्यादा की एम्प्लॉयमेंट को कंट्रोल कर सकती है, तो वो कुछ भी कर सकती है। सो हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन मैं हूँ गौरव और आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि कितना ताकतवर, कितना काबिल और कितना एडवांस है हमारा देश और हमारे देशवासी, और कैसे ऐसे ही तरक्की करते हुए 2050 तक हमारी भारत माँ बन जाएगी, वंस अगेन इस दुनिया की महारानी, और हम भारतवासी बन जाएंगे इस दुनिया के बादशाह। सो विदाउट एनी डिले, सेलिब्रेटिंग द स्पिरिट ऑफ पेट्रियटिज्म, लेट अस स्टार्ट विद आवर टुडेज वीडियो टाइटल्ड 10 रीजंस व्हाई इंडिया विल रूल द वर्ल्ड इन 2050। सो गेट सेट, फ्लाई। नंबर 1, द यंग इंडियन पॉपुलेशन। जब भी हम ट्रैफिक जैम्स में फंसे होते हैं या हमारी फेवरेट रेस्टोरेंट में टेबल खाली नहीं मिलती, तब द फैक्ट दैट हमारे देश की पॉपुलेशन दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, हमें बहुत गुस्सा दिलाती है। लेकिन वी फॉरगेट द फैक्ट दैट इतनी बड़ी पॉपुलेशन फ्यूचर में हमारे लिए नुकसान नहीं है, बल्कि एक्चुअली में बहुत बड़ा फायदा है। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि हमारे देश की मैक्सिमम जनता युवाओं यानी यूथ्स की बनी हुई है, और इंडिया की 50% पॉपुलेशन का उम्र 24 साल से भी हमें डिक्लाइन आने लगेगा, तब हमारे ही देश के युवा हर इंडस्ट्री पे राज कर रहे होंगे, और तब हमारी आबादी कमजोरी नहीं बल्कि हमारी ताकत बन जाएगी, और आगे जाके भी काबिल लोगों की और हमारी कंपनियों में मैन पावर की कमी नहीं होगी। नंबर 2, टूरिज्म। इंडिया इज अ ट्रू एग्जांपल ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। वैसे तो हमारी देश की धरती केवल धरती का 24% लैंड मास ही कवर करती है, लेकिन इतने से ही एरिया में ऊंचे बर्फीले पहाड़, बड़े रेगिस्तान, घने जंगल और गोल्डन बीचेस तक है। इस एक देश में 9 धर्म के लोग रहते हैं और हर एक कल्चर का अपना अलग सिग्निफिकेंस है। यहाँ जाहिर सी बात है कि ऐसे कल्चरली और जियोग्राफिकली डाइवर्स देश में टूरिज्म एक बहुत ही ल्यूक्रेटिव बिजनेस होगा। वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल के अनुसार इंडिया की जीडीपी दुनिया की 7 सबसे बड़ी टूरिज्म इकोनॉमी है। 2019 में हमारे देश ने ऑलमोस्ट $3 बिलियन यानी कि 20 लाख करोड़ रुपए सिर्फ टूरिज्म से ही कमाए हैं, और गवर्नमेंट द्वारा लागू किए गए नए वीजा पॉलिसीज और टूरिस्ट के लिए बेहतर फैसिलिटीज के चलते ये अमाउंट 2028 तक 32 लाख करोड़ और 2050 तक ऑलमोस्ट 50 लाख करोड़ हो जाएगा, यानी हमारे असल जीडीपी का 10% बन जाएगा। और अगर फ्रेंड्स सिर्फ टूरिज्म सेक्टर ही हमारी जीडीपी को इतना बढ़ा रही है, तो हमारे देश को आखिर वर्ल्ड लीडर बनने से कौन रोक सकता है? नंबर 3, मिलिट्री। 14 लाख एक्टिव मिलिट्री पर्सनल, 21 लाख रिजर्व पर्सनल, दुनिया का 4th लार्जेस्ट डिफेंस बजट, 3,600 बैटल टैंक्स, 10,000 पीसेज आर्टिलरी, 814 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, 16 सबमरीन्स, 106 कॉम्बैट वेसल्स, 140 न्यूक्लियर वेपन्स। रशिया, यूएसए और इसराइल जैसे एडवांस्ड वेस्टर्न देशों से मिलती 5th जनरेशन डिफेंस टेक्नोलॉजी उन पीस कीपिंग ऑपरेशंस। आज इन सब की बदौलत इंडियन मिलिट्री ना सिर्फ दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी और 4थी सबसे पावरफुल मिलिट्री है, लेकिन युवाओं की बढ़ती संख्या, गवर्नमेंट के रिसेंटली लॉन्च किए मेक इन इंडिया प्रोग्राम के चलते अगले 30 सालों में हमारी मिलिट्री दुनिया की सबसे पावरफुल मिलिट्री या एटलीस्ट टॉप 3 बनने
बनने का खिताब हासिल कर सकती है। आज की डेट में हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा मिलिट्री इम्पोर्टर है, लेकिन हम दुनिया के 21 देशों को डिफेंस इक्विपमेंट सप्लाई भी करते हैं। टेक्नोलॉजी और मैनफोर्स में कॉन्स्टेंट ग्रोथ एक दिन हमारे इम्पोर्टर्स को भी हमारे एक्सपोर्टर्स में तब्दील कर देगा और फिर हम भी कहलाए जाने लगेंगे धरती के बादशाह। नंबर 4, जियोग्राफी। हमारा देश जियोग्राफिकली डाइवर्स तो है ही, लेकिन फ्यूचर के हिसाब से जियोग्राफिकली एडवांटेजियस भी होगा। जो मिडिल ईस्ट के देश अपने तेल की बदौलत राजा बने हुए थे, आज जब उनका तेल खत्म होने को आ गया है तो वो खुद अल्टरनेटिव इनकम और एनर्जी सोर्सेज की ताक में हैरान परेशान घूमते हुए फिर रहे हैं। हाँ, हमारे देश में शायद फॉसिल फ्यूल्स की मात्रा कम है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की मात्रा दुनिया के 90% देशों से कहीं ज्यादा है। इंडिया का ऑलमोस्ट 60% एरिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इक्वेटर के बीच एक ट्रॉपिकल बेल्ट में स्थित है, जिसके कारण हमारा देश सोलर एनर्जी को बहुत ही एफिशिएंटली हार्नेस कर सकता है, अनलाइक अदर वेस्टर्न कंट्रीज। आज की डेट में ही अपनी जियोग्राफी के कारण हमारे देश में सोलर पावर प्लांट्स की इंस्टॉलेशन कॉस्ट दुनिया में सबसे कम है। और इसके अलावा हमारे देश की 28 मेजर इंडिया को दुनिया का 7 सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोड्यूसर बना। यूएसए, चाइना और सऊदी अरेबिया जैसे देशों के फॉसिल फ्यूल्स खत्म हो जाएंगे, तब ये सभी देश हमारी रिन्यूएबल एनर्जी के लिए ही हमारे पास आएंगे और फिर हम उनसे अपने ही टर्म्स में नेगोशिएट करेंगे। नंबर 5, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जब बात आती है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, तो हमारा देश यूएसए और रशिया जैसी वर्ल्ड सुपर पावर से कंधे से कंधा मिलाकर चलता है। जहाँ चाइनीज इंडस्ट्रीज सॉफ्ट इंडस्ट्रीज है और कपड़े खिलौने जैसे प्रोडक्ट्स पे ज्यादा फोकस करते हैं, हमारे देश की इंडस्ट्रीज आईटी सेक्टर पे ज्यादा फोकस करती है। और आज की डेट में इंडिया दुनिया की लीडिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोड्यूसर्स में गिनी जाती है। इसके अलावा इंडिया का फार्मा सेक्टर दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा है और ग्लोबली हमारा देश साइंटिफिक पब्लिकेशंस में 6th और पैटेंट्स में 10th रैंक करता है। क्या आप जानते हैं हमारा देश नेशनल स्पेस एजेंसी एस्टैब्लिश करने वाला तीसरा देश, चांद तक पहुंचने वाला चौथा देश और मार्स की ऑर्बिट करने वाला सैटेलाइट लॉन्च करने वाला चौथा देश है। इसके अलावा इनोवेट इंडिया प्लेटफॉर्म, अटल इनोवेशन मिशन, प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोज और इम्पैक्टिंग रिसर्च, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी जैसे गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स की बदौलत पिछले 2 सालों में हमारी प्रोडक्ट डेवलपमेंट और R&D सेक्टर्स में 20.5% से भी ज्यादा ग्रोथ हुआ है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो वक्त दूर नहीं होगा जब इंडिया दुनिया के हर देश को पीछे छोड़ देगा और बन जाएगा दुनिया का द टेक्नोलॉजी किंग। नंबर 6, GDP ग्रोथ एंड लोकल इकोनॉमी। जहां चाइना की इकोनॉमी फॉरेन इन्वेस्टर्स पे ज्यादा डिपेंडेंट है, हमारे देश की इकोनॉमी लोकल इंडस्ट्रीज और लोकल डेवलपमेंट पे पिछले कुछ सालों में थम सी गई है। हमारे देश की GDP पिछले 5 सालों में 7.7% की रेट पे बढ़ रही है और अगर ऐसे ही चलता रहा 2050 तक तो इंडिया दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी या फिर उससे पहले ही। इनफैक्ट यूएसए की नेशनल इंटेलिजेंस काउंसिल की बुक ग्लोबल ट्रेंड्स 2030 Alternative Worlds की 5th installment में लिखा है, In 2030, India could be the rising economic powerhouse that China is seen to be today. China's current economic growth rate 8% to 10% will probably be a distant memory. Number 7, Education. So friends, क्या आप जानते हैं हमारा देश दुनिया का 2nd largest producer है, ना सिर्फ computer software का बल्कि engineers, doctors और scientists का भी, और ये एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन बस सिर्फ यही नहीं, हमारी पॉपुलेशन दुनिया की सबसे बड़ी इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन है। जी हाँ फ्रेंड्स, इंग्लिश में लोग इंग्लिश बोलते हैं और हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जैसे कि एम्स, आईआईटीज, आईआईएससी, आईआईएम्स का पूरे दुनिया में बहुत ही बड़ा नाम है। हमारे देश के कुछ एग्जाम्स जैसे कि JEE और UPSC दुनिया के सबसे टफ एग्जाम्स में गिने जाते हैं, जिन्हें किसी और देश के स्टूडेंट्स नहीं क्रैक कर पाते। हमारा एजुकेशन सिस्टम कॉम्पिटिटिव तो है ही, लेकिन इस एजुकेशन सिस्टम के कारण ही आज इतने सारे इंडियंस MNCs पर राज भी कर पा रहे हैं और इतने सारे देश हमारे देश के वर्कफोर्स को हायर करने आते हैं। नंबर 8, गुड डिप्लोमेटिक रिलेशंस। अगर आप एक ग्लोबल न्यूज फॉलो करते हैं तो आप जानते होंगे कि हमारी धरती के सबसे पावरफुल देशों के बीच बॉन्ड्स धीरे धीरे टूटते जा रहे हैं। यूएसए की चाइना से, यूएसए की नॉर्थ कोरिया से और जापान की चाइना से होस्टिलिटी आसमान छू रही है। अगर आज की डेट में किसी की फॉरेन डिप्लोमेटिक स्टैंडिंग अच्छी है तो वो है हमारे देश इंडिया की। हमारा देश यूएसए का भी दोस्त है, रशिया, चाइना और मिडिल ईस्ट का भी, और जापान तो हमारे देश को अपना ही देश समझ के प्यार करता है। इजराइल के भी साथ हमारे बहुत ही अच्छे रिलेशंस हैं और इसके अलावा इंडिया US पीस कीपिंग फोर्सेस का तीसरा सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर भी है। और एक अच्छा बादशाह वही होता है जिसकी
की प्रजा उससे प्यार करे। और फिलहाल इस दुनिया में बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो हमारे देश से प्यार नहीं करते। तो कौन हुआ एक अच्छा राजा? नंबर 9, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट तो शुरू ही, डेमोक्रेसी दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। अगर चाइना में आप सोशल मीडिया पे एक भी लाइन गवर्नमेंट के खिलाफ बोल देंगे तो आपको एक प्रेसिडेंशियल देश है जहाँ प्रेसिडेंट के अलावा किसी की भी नहीं चलती। हमारे देश की जनता को जो फ्रीडम और जो राइट्स मिले हैं किसी और देश के नागरिकों को नहीं मिले हैं। और अगर हमें जरूरत है कुछ करने की तो वो है अपने इन्हीं राइट्स का सही इस्तेमाल, सरकारी कुर्सियों पे बैठने वाले सही लोगों को चुनने की और अपने देश की तरक्की की ओर जी जान लगा देने की। नंबर 10, हिस्ट्री। हमारा देश एक जमाने में सोने की चिड़िया कहलाया जाता था। इंडिया की कल्चरल डाइवर्सिटी का कोई मुकाबला नहीं है और इतनी रिच हिस्ट्री पूरे दुनिया में किसी और देश की नहीं होगी। हमारी मातृभूमि पे रहने वाली इंडस वैली सिविलाइजेशन के आर्यंस ने ही इस पूरे दुनिया को आकार दिया है। महमूद गजनी और चेंगिस खान जैसे लुटेरों और ब्रिटिश राज की गुलामी के बाद भी इंडिया इस खूबसूरती से उभरा नहीं है और दुनिया में इसने अपने लिए एक जगह बनाई है। और वो दिन दूर नहीं है जब एक बार फिर से हिस्ट्री विल रिपीट इटसेल्फ और इंडिया एक बार फिर से कहलाया जाएगा सोने की चिड़िया। सो फ्रेंड्स, कहते हैं ट्रू लीडर्स डोंट क्रिएट एनी फॉलोअर्स, दे क्रिएट मोर लीडर्स। और आज तक हमारे देश ने फॉलोअर्स नहीं सिर्फ वर्ल्ड को लीडर्स ही दिए हैं और आगे भी देते ही रहेंगे। सो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो ने आपको बहुत ही प्राउड फील कराया अपने। तो फाइनली गाइस यहां पे वीडियो हो गया खत्म। तो बड़ी जानकारी हमें देखने को इस वीडियो में मिली कि मतलब इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज के, जिस देश के मतलब इतने बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओज हो, गूगल देख लो, माइक्रोसॉफ्ट देख लो, नोकिया देख लो, और भी कंपनीज बता रहे जिस तरह के भाई और जिनके मतलब कंपनीज के इंडिया मतलब इंडिया के लोग हैं सीईओज, आप देख लें, अंदाजा लगा लें। बिल्कुल, इतनी बड़ी बड़ी कंपनी से कोई छोटी नहीं है जी, बहुत रागी की बात है। अब आप मुझे ये बताएं कि मतलब उस देश को तरक्की करने से कौन रोक सकता है? कोई भी नहीं रोक सकता भाई। जिस दुनिया में कहती हूँ, जिस मतलब जिस मुल्क के लोग ज़हीन हैं, समझदार हैं और तेज हैं और कंपनियां इस ये मुल्क आगे तरक्की करेंगे ना भाई, आगे बढ़ेंगे ना। जारी बात है, आप जे देख लें जहाँ की यंग जनरेशन और बच्चा बच्चा आप देखें अंग्रेजी बोलता है और इतना तेज है, इतने तेज है वहाँ के बच्चे, तो बंदा देख के हैरान हो रहता है। और वहाँ के बच्चों से अगर वो पूछता है तो कि मतलब वो कहते हैं कि हम लोगों ने बड़े बड़े अफसर बनना, इतनी बड़े बड़े अहदों के नाम लेते हैं कि बंदा से देख के हैरान, पैरों से जमीन निकल जाती है। बिल्कुल, ये ना सबसे बड़ी वहाँ के लोग मेहनत कश है, सोचते हैं आगे बढ़ने की, सोचते हैं और आगे निकलने की मतलब कोशिश करते हैं। ये नहीं कि हमने पीछे रहना है, मेहनत करते हैं तभी वो मुल्क तरक्की करते हैं ना। बात है ना, वहाँ की पॉपुलेशन भी ज्यादा है और वहाँ के लोग भी काफी मतलब जहीन और मेहनत करने वाले लोग हैं, इसी वजह से इंडिया तरक्की कर रहा है। और आज देख लें इंडिया हर शोबे में आगे, डिफेंस सिस्टम में देख लें, मिलिट्री, एयरफोर्स, GDP, इकोनॉमी, हर चीज में इंडिया तरक्की कर रहा है। ग्रोथ रेट देख लो इंडिया का कितना तेजी से तरक्की कर रहा है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। वही ना, एक वक्त ऐसा आएगा ना हमारे सब मुल्कों को, मैं कहती हूँ इंडिया पीछे छोड़ देगा, चाइना को पीछे छोड़ देगा। चाइना तो वो मतलब आप तो पीछे रह ही चुका है भाई, इंडिया को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। जिस तरह वो इंडिया आगे बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है हर चीज में, तो आगे बढ़ेगा। जहरी बात है, यही बात है ना मजी, अब इंडिया को कोई नहीं रोक सकता जिस तरह तरीकी तेजी तेजी से इंडिया तरक्की कर रहा है। तो एक दिन ऐसा आएगा कि मतलब इंडिया चाइना को पीछे छोड़ देगा। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं कहती हूँ इंडिया की कोई भी चीज़ हम हाथ उठा के देख लो, डॉक्टर लाइफ, अगर दुनिया में मतलब कहीं आपको अच्छा इलाज नहीं मिलेगा ना, तो आपको इंडिया में हर दुनिया का हर इलाज मिलेगा। कैंसर की बीमारी हो, कोई भी दुनिया की कोई भी बीमारी हो, आपको अच्छे से अच्छे डॉक्टर मिलेंगे। यहाँ से देख रहे ना, अगर हमारे पाकिस्तान में तो हमारा इलाज है ही नहीं है। यहाँ पे बड़े बड़े सरबराह हैं वो बाहर मुल्कों में भाग जाते हैं, तो उधर ये है कि बाहर मुल्कों में नहीं भागते, इंडिया में आपको हर किस्म का इलाज मिलेगा। तभी ना यहाँ से अगर कोई पाकिस्तान से इलाज करने जाता है तो सीधा मतलब इंडिया ही जाता है, इंडिया ही जाता है। जारी बात, अगर कोई इंडिया में अच्छे से अच्छे डॉक्टर है भाई, आपको मिल जाएंगे। इधर पाकिस्तान से भी एक बच्चा है, उसके मतलब दिल में सुराख है, अभी वो भी पता नहीं पीछे कह रहे थे कि वो इंडिया ही जाएगा मतलब इलाज वगैरह करवाने, दिल के अंदर सुराख है। यहाँ पाकिस्तान में इस चीज की फैसिलिटीज है ही नहीं, देखे अब अगर थोड़ी बहुत मिलती भी तो पहले कहते हैं पैसे जमा करो। वो गरीब बंदे के पास लड़कियां हैं, लड़कियां थी मतलब एक पीछे लड़की थी, उसने भी ऑपरेशन कराया था इंडिया से, और वो भी मुफ्त इलाज उन्होंने किया है भाई। वो लड़की ठीक ठाक हो गए फिर पाकिस्तान वापस आ गए। मैं कहती हूँ इंडिया में इतने अच्छे लोग हैं और इतना प्यार करने वाले, मोहब्बत करने वाले लोग हैं भाई। यही तो बात है अम्मा जी। तो गाइस आप लोग के ओपिनियन से कमेंट शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।